हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल बी नेचुरल विद मी में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं पहुंच चुकी हूं नर्सरी बहुत इंतज़ार के बाद। तो ये मेरा फर्स्ट विज़िट है नर्सरी का इस सीज़न का, विंटर शॉपिंग के लिए। तो वैसे तो मार्केट से मैं काफ़ी सारे प्लांट्स में लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन नर्सरी से मैं आज पहली बार मैं लेकर जाऊंगी बहुत सारे प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। तो जिस नर्सरी में फ्रेंड्स मैं गई थी, तो बहुत ही बड़ी नर्सरी थी वो, और जहां तक नज़र जा रही थी वहां तक फ्रेंड्स फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। तो बहुत बड़ी नर्सरी थी। तो ये तीन चार नर्सरीज एक साथ फ्रेंड्स ज्वाइन हो रखी थी, तो तीन चार लोगों की इकट्ठे थी ये नर्सरी। तो बहुत ही अच्छे प्लांट्स यहाँ पर मुझे मिले हैं फ्रेंड्स, तो देखकर तो बहुत ही ज़्यादा मन खुश हो गया था। तो बहुत सारे इसमें यहाँ पर, मतलब जो भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे ही प्लांट्स थे, जैसे कि पेंजी, टेंथस, सालविया और काफ़ी सारे प्लांट्स थे फ्रेंड्स, कैलेंड्यूला वगैरह सब। तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर मुझे एक भी नज़र नहीं आया। तो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने बहुत सारे ले लिए हैं। और वैसे भी जो अब परमानेंट प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, उनकी शॉपिंग आपको फरवरी मंथ से करनी चाहिए, क्योंकि अभी सारे ही ज़्यादातर प्लांट जो है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स ही थे। और यहाँ पर है फ्रेंड्स कैलेंड्यूला, तो बहुत सारे एक साथ फ्लावर्स लगे हुए थे फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे दिखने में। और मन कर रहा था कि पूरी नर्सरी ही उठा कर ले जाओ, तो मैं तो बिल्कुल चक्कर ही आ गए थे मुझे देखकर कि मैं कौन से प्लांट्स ले जाऊं, कौन से नहीं ले जाऊं, क्योंकि ज़्यादा प्लांट्स अगर हम घर में ले भी आते हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और पहले तो उनके लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी, उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिर उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो बहुत ही हेडेक वाला काम हो जाता है और काम बहुत बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फ्लावर का नाम मुझे नहीं पता था, जो कि वाइट कलर के थे, बिल्कुल आइस की तरह वो लग रहे थे। और मैंने वहाँ भी उनसे पूछा नहीं, क्योंकि कोई वहाँ पर उस समय नहीं था। तो ये देखिए डॉग फ्लावर है। तो फ्रेंड्स, साथ के साथ एक कंपल्सरी रिक्वेस्ट भी है आपसे कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब का बटन मेरे चैनल का ज़रूर दबा दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए पिटोनिया के बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स थे, तो छांटने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कौन सा वाला लूँ। तो फ्रेंड्स, पिटोनिया तो वैसे भी फ्लावरिंग प्लांट्स में फूलों का राजा होता है, और अगर आपके पास पिटोनिया फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, तो आपको आपका पूरा गार्डन ऐसे भरा भरा नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये डेंथस की ही वैरायटी है, डबल पेटल वाली, तो ये थोड़ा कॉस्टली दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने बताया था 100 रुपीज़ का एक बताया था पहले, तो क्योंकि पॉट में है, उसके बाद फिर ये 70 पे आ गए थे, लेकिन मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे प्लांट्स ले लिए थे। तो देखिए पिटोनिया के बहुत सारे कलर्स थे यहाँ पर। और फ्रेंड्स, एक कलांचू भी मुझे यहाँ पर मिला, जो कि कलियाँ उसमें आई हुई थी, तो मुझे बहुत ही रीज़नेबल रेट पर यहाँ पर मुझे मिल गया है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कलांचू बहुत ही कॉस्टली मिलता है, 150 रुपीज़ के आसपास वो मिलता है, लेकिन यहाँ पर मुझे 20 रुपीज़ में ही इन्होंने दे दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट्स लिए थे, तो उन्होंने मेरे को कम में, मतलब जो थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं प्लांट्स, वो भी सारे मुझे 20 रुपीज़ के इन्होंने लगा दिए थे। तो मुझे बहुत ही मतलब रीज़नेबल रेट में मुझे कलांचू मिल गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगी आपको मैंने कौन कौन से पौधे लिए हैं, और उनकी रिपोर्टिंग भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी लंबी वीडियो आप लोग देखते भी नहीं हो, बोर हो जाते हो शायद। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पेंसी के भी बहुत सारे कलर्स थे, तो
और ये जो वाइट वाले हैं फ्रेंड्स, ये भी मैंने दो लिए हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग, जो कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी नर्सरी जाने का, और फाइनली आज मुझे मौका मिला है तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो मेरी वीडियो फ्रेंड्स आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और ये है मेरी सारी शॉपिंग, तो 30 के आसपास मैंने प्लांट्स लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको कौन कौन से, अच्छे से दिखाऊँगी आपको। और फ्रेंड्स, मैंने 20 पॉट्स भी लिए हैं, जो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा है एक। और साथ ही मुझे एक फ्री गिफ्ट भी मिला है, जो कि मिला क्या है, मैंने मांगा था उनसे कोलियस की एक वैरायटी थी, जो कि उसमें पॉट में नहीं लगी हुई थी, नीचे लगाई हुई थी उन्होंने, और उसी में से शायद वो और प्लांट्स बनाते होंगे, ये देखिए। तो मैंने उनसे मांगा था तो उन्होंने पहले तो मना किया, बाद में उन्होंने दे दिया। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।